सबसे घटिया शक्ल उसी की है शाहरुख खान की, और क्या नहीं। आप देखो ना लड़कियां होती ना दीवानी, सुपरस्टार नहीं मानते एक्टर मानते उसे। आज सुपरस्टार सनी देओल है। गाजा टू पीट गई, गाजा टू पीट गई। वो पाकिस्तान की बात नहीं करता, वो डोनेशन पाकिस्तान को नहीं देता जाके, वो बांग्लादेश को पैसा नहीं भेजता। उसका एटीट्यूड देखिए ना, वो बात ही ऐसे करते हैं ऐसे कि बहुत बड़ा खुदा आ गया नीचे। ये शाहरुख खान की प्रभास दोनों मूवी एक साथ आ रही, कौन सी हिट होगी? प्रभास क्यों? शाहरुख खान का मैटर अलग है। क्या अलग है? अलग इसलिए अगर उसकी मूवी में दम है कुछ है, प्रभास जो है वो ज्यादा पब्लिसिटी नहीं करता, अपने देश की बात करता है। हमें वही एक्टर चाहिए जो हमारे देश की बात करे, हमारे संविधान की बात करे, हिंदू तत्व की बात करे, उसी की हीरो की पिक्चर रिलीज होगी तो नहीं होगी। शाहरुख खान क्यों नहीं देश की बात वो भी करते हैं, कौन सी विदेश की बात करने लगे? देखो मैं उनको ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा, नहीं करते वो करते हैं। अभी पठान पिक्चर रिलीज हुई थी उनकी, उससे पहले उन्होंने बाहर के देश वालों को फंडिंग की, ये कर को देश के अंदर लोग नहीं है, हमारे देश में लोग नहीं गरीब, उनको बांट दे। प्रभास में क्या पसंद है? प्रभास एक्टर अच्छा है, हिंदुस्तान की बात करता है, हिंदू तत्व की बात करता है, हिंदुस्तान में रहता है, हिंदुओं की बात करता है। वो पाकिस्तान की बात नहीं करता, वो डोनेशन पाकिस्तान को नहीं देता जाके, वो बांग्लादेश को पैसा नहीं भेजता, वो हिंदुस्तान को पैसा देता है। कह रहे शाहरुख खान मुसलमान है इसलिए उसका विरोध हो रहा है। तो यहाँ मुसलमान हिंदू की बात करोगे तो मैं फिर बहुत कुछ बोल दूंगा। शाहरुख नापसंद क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है, रहना यहाँ का गीत लोगों के गाने तो कोई दुनिया बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रभास आपको लग रहा है शाहरुख खान से आगे? बहुत आगे है। कितना आगे? शाहरुख खान में क्या है? शाहरुख खान में चाम है, शाहरुख खान में फैन फॉलोइंग है। अंदर भी है वो तो प्रभास जी के अंदर भी है। सबसे घटिया शक्ल उसी की है शाहरुख खान की, और क्या नहीं। आप देखो ना लड़कियां होती ना दीवानी, वो तो पागल है ना। देख दो नाम दे तो मेरी पठान को पिट गई चली के गोदी, कोई फिल्म भी नहीं चली। पठान आप क्या हुआ तो गाजा टू पीट गई, गाजा टू पीट गई। मैं आपसे बात आपने बात करेंगे। गदर टू जो है उसने कम से कम 700 करोड़ का बिजनेस किया। यहाँ पर फिल्म वही चलेगी जो हमारे देश की बात करेगा एक्टर। मैं आपसे मैडम वही कह रहा हूँ, हमारे देश में पिक्चर वही चलेगी जो इस देश की बात करेगा, इस देश को मैसेज देगा। दुश्मन देशों को मैसेज दोगे फिल्में पिट जाएंगी। तो बायकॉट करना कहाँ से सही है? शाहरुख खान का बायकॉट करना कहाँ से आपको सही लग रहा है? बायकॉट के लिए मैं बात ही कर रहा, बायकॉट नहीं करना चाह रहा। बायकॉट तो वो तो जनता अपना बायकॉट क्यों नहीं होना चाहिए? अगर वो एंटी नेशनल मैसेज देगा तो होना ही चाहिए बायकॉट। बिल्कुल सही कह रहे हमारे ये हमारे सीनियर आदमी बैठे। शाहरुख खान में कहते हैं कि वो इतना अच्छा मूवी लाते हैं, मैसेज देते हैं देश में। आमिर खान भी मुसलमान है ना, उसने फिल्म बनाई थी लगान, कितनी चली थी, मैंने 2 बार देखी थी वो। तो शाहरुख खान से इतनी प्रॉब्लम का है? उसका एटीट्यूड देखिए ना, वो बात ही ऐसे करते हैं ऐसे कि बहुत बड़ा खुदा आ गया नीचे। कुछ नहीं है वो, हम सुपरस्टार नहीं मानते एक्टर मानते उसे। आज सुपरस्टार सनी देओल है। सनी देओल दुबई में उनका पूजा जाता है, देखिए ना जब पूजा जाता है पूरा सबको जाता है, पूरा हमें भी जाता है। यहाँ पर हम भी कलाकार है, मगर एक बात सुनो, सनी देओल आज सुपरस्टार है। उसकी फिल्म गदर 2 गदर 1 सारी हिट गई है, सारी हिट गई। और जो हमारे देश की बात करेगा वही एक्टर सुपरस्टार होगा, चाहे वो शाहरुख हो, अमीर, सलमान, कोई भी। हम बर्बादी करते ही अब देश की जनता जाग चुकी है। अच्छा